बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी मंडे कहना चाहेंगे। आपके इस वर्क वीक का आगाज़ हम चाहते थे कि कुछ एक्साइटमेंट, कुछ इन्जॉयमेंट के साथ हो, और हम अपनी इस वीक थीम लेके चल रहे हैं सारे रंग सरायकी के। हमारी सरायकी बेल्ट जितनी खूबसूरत है, इतने टैलेंटेड लोग उसमें एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो आज एक किस्म का हमने ट्रिब्यूट शुरू किया है सरायकी से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि जब हमने ऑनलाइन जाके ढूंढने की कोशिश की कि भाई सरायकी कल्चर से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब पर भी अगर आप जाके देखें तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है। और बात यह है कि जब हम पंजाबी कल्चर की बात करते हैं, सिंधी कल्चर की बात करते हैं, जब हम डिफरेंट, मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस और इतने वेरियस डिफरेंट कल्चर्स मिक्स्ड हैं इनटू द पाकिस्तानी कल्चर, तो फिर हम सरायकी कल्चर को वो वाली वैल्यू और इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो सरायकी म्यूजिशंस हैं, सिंगर्स हैं, वो तो इंटरनेशनल लेवल की फेम हासिल कर चुके हैं। सो क्यों हम अपने इस कल्चर को बैक एंड पे रखते हैं? सो एक सरायकी शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इस वीक को हम स्टार्ट लेके करेंगे। आज नॉर्मली सरायकी शादियों में सबसे पहले जो सुन्नत है, वो सुन्नत नबी विच इज़ निकाह, वो किया जाता है। उसके बाद फिर बाकी सारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं वो होती हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ सारा कुछ हो जाता है, फिर एंड में निकाह होता है, फिर बारात होती है और फिर वलीमा होता है। बट इन सरायकी कल्चर सबसे पहले जो फ़र्ज़ है, वो मतलब जो सुन्नत है, वो पूरी की जाती है और निकाह का फंक्शन होता है। तो एक टेक्निकली निकाह के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम स्टार्ट करें। आज हम ऐसा रस्में नहीं करेंगे, हम सरायकी कल्चर के बारे में जानेंगे। क्योंकि देखें, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कल्चर है। सरायकी ज़बान इतनी मीठी, इतनी खूबसूरत। अब ऑल थ्रू आप देख रहे थे, हम सारे झूम तो रहे थे, मुझे ऑब्वियसली समझ नहीं आ रही थी बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड सरायकी, लेकिन एक दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ। तो ये तो एक ऐसी ज़बान, एक ऐसा कल्चर है जिसके बारे में आप जितना ज़्यादा जानते हैं और जी चाहता है कि आप उसके अंदर, इतना मुझे ज़रूर पता है कि सिंध में जो अजरक है वो कलेजी, मेरून और ब्लैक कलर की होती है, लेकिन सरायकी कल्चर में भी अजरक पहनी जाती है, लेकिन वो नीले कलर्स में होती है, ब्लू कलर्स के अंदर होती है, बहुत ही खूबसूरत। बल्कि मैं देख भी रही हूँ सबकी अजरक और सोच रही हूँ किसकी अजरक को चोरी करके अपने लिए कमीज़ बनाऊँगी मैं। ये अभी मैं ज़रा, और सब ने अपनी अपनी अजरक को ऐसे करके पकड़ लिया कि ये कहीं हमसे ना पकड़ ले, देख रही हूँ मैं। अच्छा, लेकिन खैर हमारे साथ विकी राजा डांस ग्रुप है, विकी, कमाल, मकसूद, सज्जाद, आबाद एंड यासिर। तो इन सबको वेलकम करते हैं हम अपने शो के अंदर, और हमारे शो की इतनी खूबसूरत आगाज़ इन्होंने किया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सब गेस्ट से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। बहुत ही अकम्पलिश्ड और रिनाउंड पर्सनैलिटीज हमारे साथ हैं, रिप्रेजेंटिंग द सरायकी कल्चर। वी हैव ब्लॉगर्स, वी हैव मेकअप आर्टिस्ट, वी हैव एजुकेशनिस्ट, हर किस्म के इंटरेस्टिंग और ब्रिलियंट लोग हमारे साथ। स्टूडेंट्स भी हैं, लड़के वाले और लड़की वालों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है लोगों को। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद और आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन, सो गुड मॉर्निंग टू यू। दी मुरली में दी मुरली दे नल घुंगरू कै पासे हुणे मन ना सकदी की तई काला जादू वंगा प्यार बना मन वाले तू मैं दे दिया खैरा मंगा मेरा रांझा मेरा रांझा ओ मेरा सुपरस्टार्स हैं, वो ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। जब भी सरायकी कल्चर को, नॉट जस्ट सरायकी, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। मुझे वैसे हीरे की समझ आई थी बीच में कहीं तो और कुछ रांझड़ा भी समझ आई थी, लेकिन बात यह है कि म्यूज़िक की यही तो सबसे खूबसूरत बात है कि वो आपकी रूह में उतर जाता है। आपको अल्फाज समझ आए ना आए, अगर गाने वाला टैलेंटेड और ब्रिलियंट हो, और वैसे भी एक लेजेंड की औलाद हमारे साथ है माशाल्लाह माशाल्लाह। इनके फादर लेजेंड ऑफ सरायकी म्यूज़िक और बहुत ही पॉपुलर सिंगर सरायकी बेल्ट के, और माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह हम आरिफ लोहार साहब को देखते हैं कि वो अपने अब्बू का ट्रेडिशन आगे लेके चले, इसी तरह ज़िशान खान रोखड़ी भी अपने इस ट्रेडिशन को आगे लेके चल रहे हैं। और ताहिर खान रोखड़ी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपकी इस काविश में, और इसी तरह हमारे खूबसूरत से सरायकी कल्चर को आप लोग पुश करते रहें और प्रमोट करते रहें, क्योंकि कल्चर को प्रमोट करना हम सब का फ़र्ज़ है, राइट। तो आइए, थैंक यू सो मच एंड इट्स सच अ प्लेजर तो है ही है, ऑनर है टू हैव यू ऑन द शो। बल्कि मैं इनको शो अभी ब्रेक में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा अगली बार आपका कोई इवेंट होगा मैं बुर्का पहन के आ जाऊंगी, मैंने आना है देखना है ज़रूर, क्योंकि जिस किस्म की आप लोगों की क्रेजी फैन फॉलोइंग है ना, मैंने नहीं देखी। बड़े अरसे से नहीं देखी। अलहमदुलिल्लाह। सो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे। आमीन, थैंक्स। अच्छा, अब इनके साथ एक बड़ी क्यूट सी पर्सनालिटी बैठी हुई है जो बड़ी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू में मास्टर्स किया है और अभी BS एजुकेशन कर रहे हैं और इसके साथ उर्दू सरायकी की शायरी भी करते हैं, राइट? यस। और हमारे साथ नौशेरवान असफान है, मतलब मुश्किल तरीन नाम मुझे आपने दे दिया। बहुत ही ब्रिलियंट शायर और अदीब हैं और इनसे भी हम मजीद कल्चर के बारे में जानेंगे, ज़राइकी कल्चर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वेलकम टू द शो। ओके, शुरू करते हैं। बहुत से लोग हैं आज हमारे साथ, तो हमारे साथ अंबर न्याजी हैं, स्टूडेंट है नियावाली से। और बाय द वे ऑल थ्रू जब से हमने शुरू किया मुझे कह रही ये बात हुई, अच्छा आपको ये बात हुई, आपने मिस कर दी तो ये इसको ना इसको मैं अपने पास रख रही हूँ कि बच्चा बड़ा प्यारा है, ये बच्चा आप मेरा है, ठीक है? जिसका भी बच्चा है उनको मैं बता रही हूँ ये बच्चा आप मैंने गोद ले लिया है। अच्छा, मलिक फ़हीम अवान साहब हमारे साथ हैं, सदर हैं, प्रेजिडेंट हैं ऑफ अवान गुड ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान। इनके साथ हैं बशीर हुसैन शाह जो वाइस प्रेजिडेंट है अवान गुड ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान के। देन इस तरफ आ जाते हैं, ज़रा लेडीज़ इग्नोर हो रही हैं हमारी। जीनत भट्ट हमारे साथ है, मेकअप आर्टिस्ट हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं और इन्हीं की इन्होंने जो अजरक पहनी है उसी पे मैंने ज़रा नज़र रखी हुई है बड़ी गौर से। अच्छा, और साइमा नूर हैं, ब्रिलियंट ब्लॉगर भी हैं। एंड देन वी हैव वक़ार एहसन, प्रेजिडेंट ऑफ द कल्चरल सोसाइटी फ्राम UCP। वो किधर है? वो इधर है, हाँ ठीक है। देन वी हैव मंजर बलोच, स्टूडेंट फ्राम झंग, क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। देन वी हैव मसूद उर रहमान, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं मेयो हॉस्पिटल, राइट? वो किधर है? हाँ वो उधर आगे। देन वी हैव नजमुल हसन, टिकटॉकर। हेलो हाय, तुम तो अपने टिकटॉक से भी ज़्यादा निकले मेरे यार, क्यूटी पाए। अच्छा, तो ये बहुत से प्यारे प्यारे क्यूट से हमारे साथ बच्चे हैं। देन मसूद उर रहमान भी हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट। वी हैव फरहान जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, सरमद जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। सब पूरे हो गए नहीं, और एक हमारे साथ जो ब्रिलियंट सुपरस्टार हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं, जो हमारे परफॉर्मर भी हैं और हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है जब ये हमारे शो पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है आपके? अच्छा, उसके साथ साथ अभी गर्ल साइड, बॉयज़ साइड, ये सारा कुछ होगा लेकिन ब्रेक के बाद। क्या महमूद दसावा तेनू दुखड़े केड़े केड़े, एक पासे है प्यार पासे खेड़े from the break viewers, the very talented, the very brilliant Zishan Khan Rokhdi and Tahir Khan Rokhdi हमारे साथ हैं। और अब मेरे ख्याल से दूल्हा दुल्हन की एंट्री होनी चाहिए। और बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे सोशल मीडिया पे, आप चुप कर जाए, सिर्फ ज़िशान भाई को गाने दे, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी बोलने दे। मॉर्निंग विद ज़िशान, वरना शो का नाम हो जाएगा मॉर्निंग विद जुगन नहीं रहेगा। और बाय द वे मैंने टिकटॉक भी बना लिए इनके साथ जल्दी से कि इनके करोड़ों मिलियन जो हैं फॉलोअर, चाहे 2 मुझे भी फॉलो कर लें। अब मैं यहाँ साइड पर जा रही हूँ और अब हमारे दुल्हा दुल्हन की एंट्री है आपके सॉन्ग के ऊपर। जी हाँ, ਸਕੂਲੋਂ ਦੇ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ ਸਜਣਾ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸਜਣਾ ਤੇਰਾ ਤੱਕੜ ਫਜ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸਜਣਾ ਤੇਰਾ ਤੱਕੜ ਫਜ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਤੱਕੜ ਫਜ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੀ ਰਹਾ ਤੱਕੜ ਫਜ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜ ਲੈਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜ ਲੈਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਪਰਵਾਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਪਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਏ ਸੜ ਲੈਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਪਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਏ ਸੜ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਈ ਸੜ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਈ ਸੜ ਲੈਣ ਦੇ। ਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਓਏ बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और हमारे साथ दुल्हा और दुल्हन नकली वाले असली वाले नहीं है, मैं बार बार क्लियर कर दूं क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया में बड़ी आदत है कि शादीशुदा लोगों की शादियाँ कर देते हैं फिर से, और जिनकी नई भी शादी हुई हुई होती है उनकी भी ऑनर दिखा देते हैं और लोग फिर मुबारक देना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एक, जैसे कि आपको पता है कि टेलीविज़न पे हम थोड़ा सा एक वो हल्ला गुल्ला क्रिएट करने के लिए हमने एक एलिमेंट किया है और इसीलिए हम दो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट को जो है वो ब्राइड एंड ग्रूम बनाया है। हमारे ग्रूम साहब का नाम जो है, दूल्हे का नाम है हसन, जो स्टूडेंट हैं BS इंटीरियर के। अस्सलाम वालेकुम। एंड देन वी हैव रोहामा, जो मॉडल भी हैं एक्ट्रेस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी, बड़ी प्यारी लग रही हो और चुप चुप सी ब्राइड लग रही हो। अभी बार बार मैं हंसाने की कोशिश करती हूँ, मतलब वो मानती नहीं है। कुछ इस टाइप का गाना सुनाएंगे तो मान जाएगी मेरी बात, ठीक है ना? स्माइल स्माइल स्माइल, अच्छा ठीक है, चलो स्माइल कर दिया हमारे बच्चे ने। ओके सो अब थोड़ा सा कल्चर के बारे में बात करते हैं और ऑफ कोर्स हमारे साथ इतने ज़्यादा लोग जो हमारे शो का हिस्सा भी हैं उनसे बात भी करेंगे। बट सबसे पहले तो आपसे नौशेरवान असफल, मैं ये जानना चाहूँगी, नाम याद करती रही हूँ बार बार, कि सराइकी कल्चर अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़े, वैसे तो किसी भी कल्चर को समझाना मुश्किल होता है, दिखाना आसान होता है, तो अगर एक्सप्लेन कर सके थोड़ा सराइकी कल्चर। हाँ, सराइकी कल्चर का एक लफ्ज़ जो है, जैसा कि कल्चर के मैनी होते हैं कि तहजीब व तमद्दन, और इसके लुगवी मैनी है खेती बाड़ी। और सराइकी जो है, सराइकी बेल्ट में तकरीबन वसेब में खेती बाड़ी से लोग मुंसलिक हैं, मवेशी पालना उनका पेशा है उसके मुतलक। और जो भी जिनका भी ये पेशा है, मसलन सराइकी है, इसी तरह पंजाबी का है, पश्तून है, सिंधी है, जिस तरह उनका वो जो है कल्चर है, उनका को अपना एक शाल है, एक टोपी पहनते हैं, कुछ लोग वो पगड़ी बांधते हैं, कुछ लोग शलवारें पहनते हैं। शलवार कमीज़ तो वैसे पूरे पंजाब का है, पाकिस्तान का है, और सराइकी में भी इसी तरह शलवार कमीज़ है। और साथ जो शादियों में और जिस तरह आप शायरी में मुख्तलिफ चाचा मानी की एक टिपिकल ट्रेडिशनल लुक है। यस चाचा मानी, जरा एक दफ़ा तुसी खड़े होके जरा हाँ लुक अपनी जरा दिखा दें। अब ये एक टिपिकल जो है ना, बड़ी खूबसूरत सी इसी तरह से ये जो फेशियल हेयर की भी इस तरह से ग्रो करना, वो सारा कुछ ये चाचा मानी की एक बड़ी प्यारी, वैसे तो उनका नाम रमज़ान है लेकिन प्यार से अब्दुलरहमान, बट सारे प्यार से इनको चाचा मानी बुलाते हैं। और मॉर्निंग में जुगन की फैमिली का तो ये बड़ा ही अहम हिस्सा है, हमारे बहुत ही प्यारे चाचा जान है ये। अच्छा जी, चाचा मानी जिस तरह जो है वो सराइकी वसेब और सराइकी कल्चर की मुकम्मल नुमाइंदगी कर रहे हैं। हाँ, खसूसन बिलखसूस मियाँ वालवी टच इनमें बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो इसी तरह सराइकी का जो है, सराइकी में औरतें जो हैं तकरीबन बुरका पहनती हैं, बुरका सकाफत है हमारी। और जो पगड़ियाँ हैं, पगड़ियाँ भी बांधते हैं। इसी तरह जो है सराइकी ट्रेडिशन में आपको शायरी में और म्यूज़िक में, जिस तरह आप देखती हैं, जिशान भाई हमारे साथ हैं, तैर भाई हैं, तो इन्होंने वो जो है सराइकी सकाफत को बहुत ज़्यादा उजागर किया अपनी म्यूज़िक। अच्छा, मैं जिशान भाई से ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने क्यों, आपने सराइकी को ही ज़्यादातर स्टिक किया है, आपने मतलब दूसरे वो जो कहते हैं ना कि जिस तरह टिपिकल पॉप म्यूज़िक की तरफ आप नहीं गए, जबकि माशाल्लाह आप दोनों की इतनी मीठी और खूबसूरत आवाज़ है, कुछ इसके बारे में बताएंगे, इसका रीज़न क्या था? देखिए जी, हम शुरू से जनाब हमारे बड़े हैं अताउल्लाह खान ईसा खैलवी को हमने सुना है, बाबा को हमने सुना है, शफाउल्लाह खान रोकड़ी मरहूम। तो जब शुरू बचपन से उन्हीं को सुनते हैं तो एक माइंड में था कि हम सरायकी को प्रमोट करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम सिर्फ सरायकी कर रहे हैं। बट आप सरायकी को एक मॉडर्न वे में प्रमोट करते हैं। मॉडर्न कर रहे हैं, उसके अलावा हमने उन्हें पंजाबी टच दिया है गानों में, कुछ ना कुछ उर्दू भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो टाइमिंग हमारा काम जो कर रहे हैं हम ये सरायकी में कर रहे हैं, ताकि सरायकी एक अपना है, हमारा इलाकाई म्यूज़िक है। और माशाल्लाह आप देखें कि आपके पाकिस्तान के बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो सरायकी को इस टाइम गा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिंगर गा रहे हैं सरायकी को, लोगों ने ये ज़बान एक्सेप्ट की है। तो मुझे लगता है इसको अच्छे म्यूज़िक के साथ, मॉडर्न म्यूज़िक के साथ हमें और बेहतर तरीके से पेश करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सरायकी शादियाँ कैसी हो? हाँ, सरायकी शादियाँ जैसा कि अच्छा, शादी पे मुंह पे मुस्कुराहट आ गई। आपकी शादी हुई भी है? नहीं, मेरी नहीं। इसीलिए शादी एक लफ्ज ही ऐसा है जिसपे मुस्कुराहट आ जाती है, शादीशुदा लोगों के मुँह पे नहीं आती। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, मुझसे पूछें। लेकिन अच्छा जी बताइए, शादी पहले पहल तो वो जो होता है, पहले शादी कुछ दिन फिक्स किए जाते हैं, उसके बाद जो है मायूं में बैठाया जाता है जो दुल्हन होती है कुछ दिन पहले, रुखसती से कुछ दिन पहले। उसके बाद जो है फिर दूल्हे वो जो सिरहबंदी होती है। निकाह सबसे पहले जो होता है वो कब होता है? ये मायूं में भी बैठने से पहले निकाह? हाँ निकाह, क्योंकि सरायकी वैसे में तकरीबन अरेंज मैरिज होती है ना, फूफो के बेटे के मामू के बेटे इस तरह आपस में ना खाला और ये सारा ही हो जाता है तकरीबन, तो पैदा होने से पहले ही हो जाता है। जब पैदा हो जी ये तो हमारी भाई, अच्छा ये बहुत ज़्यादा अरेंज मैरिज नहीं, लड़का किसी का बेटा हो वो कहे आप से हमारे बच्चे की शादी होगी, आगे से लड़का निकला है, फिर लोग तो लड़के ही मांग लेते हैं। ये यानी कि मैं अपनी बेटी इसी के साथ भी आऊँगा ना, ये होता है अक्सर होगा, क्योंकि जायदादों के भी मसाइल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पब्लिक सर्विस मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि व्यूअर्स, हमारे मुल्क में 10% बच्चे जो हैं वो डिफरेंटली एबल्ड पैदा होते हैं, यानी कि डिसेबल्ड भी जिसको हम कहते हैं, स्पेशल कहते हैं। उसके पीछे एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि कज़न्स की जब मैरिजेस बार बार आपस में होती रहती हैं तो थोड़ा सा जेनेटिकली जो आपका जीन पूल है वो इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी फैमिली में बार बार कज़न मैरिजेस होती हुई हैं तो थोड़ा सा बेशक अरेंज मैरिज ही करें, लेकिन फैमिली से बाहर देखें, वरना वही सिलसिला बार बार जब कंटिन्यू होता है तो फिर आगे बड़े ये वाले मेडिकल मसाइल भी हो जाते हैं, और सरायकी बेल्ट में ये मसाइल पाए भी जाते हैं बच्चों में। तो इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। इसी तरह फिर जो है वो रुखसती होती है, सेराबंदी होती है, उसके बाद तो रुखसती होती है, और उसके बाद एंड पे वलीमा होता है। और एक और चीज़ जो कोई भी नहीं बताएगा, ना कोई राइटर लिखेगा ना कोई नक़ाद लिखेगा, सरायकी वैसे में एक बहुत खूबसूरती है कि जिस तरह जैसे आप झगड़ा करना भी एक हुज्जत है, यानी कि मोहब्बत की एक टर्म है, बंदा किसी के साथ हुज्जत जताता है कि यार ये मैं नहीं करने वाला, फिर वो दूसरा आगे से प्यार देता है कि नहीं ये तो करना होगा। इसी तरह सरायकी वसीब में तकरीबन घराने जैसे भी हों, जैसे आप किसी की शादी है तो वो उसे इनवाइट करेंगे, फुफू का बेटा नाराज़ हो, भाई मैं नहीं आना था शादी पे, क्यों तो सब मेरे कार्ड पे ना क्या नहीं लिखा, तो सही है क्या नहीं किया, मतलब ऐसे छोटे छोटे मसाइल भी होने। और ये भी एक खूबसूरती है, वलाओं को मनासन वला एक दफ़ा पूरा ख़ानदान कट्ठा थी, इन्हें बिच भी ही खूबसूरती है। और तकरीबन शादियाँ मैं तो जेडियाँ भी डिठियाँ हैं। ठीक कह रहे हैं, पंजाबी अंदर की जाके ना क्या। अच्छा तो बात ये है कि सरायकी में कोई अगर कुछ सुना दे अपना लिखा हुआ हमारे सरायकी एक नाज़्म है, और पहले बता देना कि मतलब क्या है ताकि मैं एक्सप्रेशन सही दे सकूं। वो ब्रेकअप पे ही लिखी गई है आप। अच्छा ब्रेकअप पे लिखी है वो तो हमने बड़े नाज़्म काफी वायरल हुई है, वो उसका उन्वान है कातिल के। जिशान भाई सुनना के मेरी दाढ़ी लांधी देख कराई हंज ढह पई मेरे बाबे दी बचपो में बचड़ा इश्के तू मैं तो कसम चवाई हस काबे दी मेरा पुत्र जवानी जालिम है हुण अपना चिंता ढेर रखें वो औखी मंजिल चढ़दा पैं जरा होश संभाल के पैर रखें ये दौर है 21वीं सदी दा इत खून दी बाजी जारी है ई दौर दा मजनू कूड़ा है हर रोग ते सोग बाजारी है तेरी कार को नहीं तेरा पैसा नहीं ते कोई हीर ते सस्सियाँ क्या मिलसन जित गुर्दे फेफड़े विकदे हैं चूरियाँ लस्सियाँ क्या मिलसन Sorry. मैं प्यू दी गाल को रद्द करके तेकू जिंदड़ी जान दे लकब दिते कैनात दे वरके छाण कराई तेकू जुमल जहान दे लकब दिते भला प्यार कोई जिंदड़ी इंज होने मेरा हर दुश्मन वंजार बनाई कुर्बान थी वहां तेरे इश्क के, तू डाढ़ा इश्क तो डाढ़ा प्यार बनाई। तेरे नाल मैं वाल आड़ावने हन हाई सुनत निभावनी कुबरा दी, गुलकंद की तई मेरे ख्वाबे को मेरी सोच दा महज आचार बनाई, भमे काल की तो या मैसेज ते मैं को खून रुआई हर फेरे ते, तेरे बाद मैं मातम इन की तेन त्रट पै गए हिंद मेरे चेहरे ते, खड़का के घुंगरू बुरके विच तैं दिल को छाण परून बनाए, हुण मौत दे काबिल न रह गए तैं जीने जी साकू मार सटे। एहसास से आवी गलती दा कुरान पढ़ैनी है बालां को, वंज माफियां मंगदी है मजलिस विच या जागदी है शब रातां को, तेरे काने गलती छोटी है तैं हिके जात दा कत्ल कीता है, तैं को बीबी मथे नहीं लावना तैं कुल कायनात दा कत्ल कीता है। फेफड़े गुर्दों तक बात पहुंच गई, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पतले तंते सजदे तेनू वाला चोला, सौ सालां विच हिक जमदा ए तेरी सोना ढोला। हेलो, वेलकम बैक। हम एंजॉय कर रहे हैं अपने सारे रंग सरायकी के, और मैं नाकाम कोशिश कर रही थी कुछ सीखने की, तो क्योंकि कुर्बानी आ रही है तो मैंने कहा डाची ही कह देती हूँ, जिसका मतलब है ऊँट। ऊँटनी ऊँटनी नहीं, ऊँटनी नहीं, ऊँटनी कुर्बान होती है नहीं, ऊँटनी बेचारी कुर्बान तो नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर बकरी होती है तो ऊँटनी भी। ऊँटनियों को तो छोड़ दो। क्यूट लिटिल डाची। ओके, तो डाची मैंने सीखा है इस पूरे 1.5 घंटे के अंदर, तो मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ। अच्छा, मुझे कोई सिखाए ना जरा, कोई एक लाइन सिखाए बोलनी। हाँ हाँ, ये अच्छा, तो मैं कभी भी नहीं कह सकता। क्या तुसा बिल्कुल चंगियां कहने में लग दिया बैठियां, वही तो उन्होंने कहा है ना, और तुसी बिल्कुल भी ना समझ आ गई है कि उल्टा ही कहा है। ये सारा उल्टा ही सिखाते हैं हमें। अच्छा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, क्योंकि आगे हमने ट्रिब्यूट पेश करना है कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने पिछले हमारे 2 वीक्स जो हैं वो इतने खूबसूरत अंदाज में हमें पुट फॉरवर्ड करने का मौका मिला। सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने फ्राइडे का शो देखा था उनको पता है कि आज हमने गिफ्ट्स प्रेजेंट करने हैं उन लोगों को जो हमारे नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट का हिस्सा थे। 2 वीक्स हमने ये एक काविश की, और इस काविश को विदाउट सैलॉन डिज़ाइनर्स एंड क्यूने एंड फरा ब्यूटी सैलॉन इम्पॉसिबल था इसको एग्जीक्यूट करना, और ये सारी सपोर्ट जो है वो हमें क्यूने पाकिस्तान ने एंड सैलॉन डिज़ाइनर्स ने एंड फराजी ने दी है। तो आज हमने सोचा कि जो लोग बैक एंड पे थे, जो हमारे सामने नहीं आ रहे थे, आज हम उनको भी बुलाएंगे और आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे, और इंशाल्लाह इस तरह के एफर्ट्स हम करते रहेंगे। यहाँ पे आज के दिन का जो हमारा सरायकी का एलिमेंट है वो एलिमेंट क्लोज़ करेंगे, और क्लोज़ करने से पहले जान भाई आपका बहुत 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 शुक्रिया, ताहिर आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, और वो लोग हैं जो मतलब वो जिस तरह होता है ना कि एक होता है कि एक बच्चा अपने बाप का नाम रोशन करता है, दूसरा वो होता है जिसके बाप ऑलरेडी इतनी बड़ी पर्सनालिटी होता है कि उनका नाम रोशन करने के लिए आपको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हर 2 मिनट के बाद फादर के साथ कंपेयर किया जाता है कि भी अब्बू तो ये। तो इन्होंने बड़ी मेहनत की है अपने आप को मनवाने के लिए, और ना सिर्फ मनवाया बल्कि माशाल्लाह माशाल्लाह अगर मैं ये कहूँ कि अब्बू के लेवल पे या मालिक ने उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल, और आज हमने एक तरह से वो निकाह वाला आप लोगों के लिए सेटअप लगाया, सारा कुछ किया। कल इंशाल्लाह मेहंदी होगी, रस्में भी करेंगे, मैं भी सीखूंगी, आप भी सीखेंगे, कुछ हम एवं बीच में पंजाबी चीज़ें भी डाल देंगे, क्योंकि मैंने हर जगह अपना पंजाबी नेस, तो वो कहते हैं ना पंजाबी में तुनना होता है, तो वो भी करूँगी। लेकिन 2 सुपरस्टार्स के लिए बहुत सी तालियाँ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, अल्लाह खुश रखे, ज़िंदगी दे। और विकी भाई आपके ग्रुप का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमारे इस पूरी फेस्टिविटी का हिस्सा बने। कल आप लोगों का बड़ा काम होना है, कल एक्स्ट्रा काम है आप लोगों का। तो जाते जाते क्या सुनाएंगे हमें? मैं चाहूँगी कि ताहिर रोखड़ी का एक सॉन्ग है न्यू है, तो ताहिर खान से सुनते हैं। ताहिर खान आप सुनाइए सर 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 जी। ढोला बउए सोना ओ कुए गरूरे, ढोला बउए सोना ओ कुए गरूरे, ओदे नाल लाया मेरा ए कसूरे, ओदे नाल लाया मेरा ए कसूरे, ढोले बाम रोड़ी वंगा होया चूरे, ढोले बाम रोड़ी वंगा होया चूरे, ओदे नाल लाया मेरा ए कसूरे, ओदे नाल लाया मेरा ए कसूरे। मने तू रब कोलों हुसन कमाया है, इस लई ते दिल मेरा तेरे उत्ते आया है, इस लई ते दिल मेरा तेरे उत्ते आया है, ढोला चन तू सोना ए गल मशहूर है, ढोला चन तू सोना ए गल मशहूर है, ओदे नाल लाया मेरा ए कसूर है, ओदे नाल लाया मेरा ए कसूर है, ढोले बाम रोड़ी वंगा होया चूरे, ढोले बाम रोड़ी वंगा होया चूरे, ओदे नाल लाया मेरा ए कसूर है, ओदे नाल लाया मेरा ए कसूर है। बाज न आवे ढोला मैं कुओं सतावे, जिदियां दा जिद्दी ढोला अपनी मनावे, जिदियां दा जिद्दी ढोला अपनी मनावे, मेरा दिल ओ तोड़े दिल होया चूरे, मेरा दिल ओ तोड़े दिल होया चूरे, ओदे नाल लाया मेरा ए कसूर है, ओदे नाल लाया मेरा ए कसूर है, ढोले बाम रोड़ी वंगा होया चूरे, ढोले बाम रोड़ी वंगा होया चूरे, ओदे नाल लाया मेरा ए कसूर है, ओदे नाल लाया मेरा ए कसूर है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि होपफुली आप सबको याद होगा, हम लोगों ने बहुत ही स्पेशल 2 हफ्ते की एक काविश की, एक एफर्ट किया। आइडिया कॉन्सेप्ट प्राची का था, फरा ब्यूटी सैलॉन। एंड जैसे कि आप जानते हैं, फरा जी इज़ द #1 यूट्यूब मेकअप आर्टिस्ट, और उसके अलावा इंटरनेशनली भी इनका काम बहुत देखा जाता है। मज़े की बात यह कि अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि यूजुअली लोग जब वीडियोस बनाते हैं तो वो इतनी डिटेल नहीं बनाते। तो फरा हैदर हमारे साथ है, हमारी बहुत ही प्यारी फरा, एंड देन हमारी उतनी ही प्यारी नैयर आपा, नैयर ज़िक्रिया साहिबा, हर्बलिस्ट हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और हमारे शो का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और फिनाले पे हमने नैयर आपा को भी कहा कि आप भी आएँ और अपना भी हिस्सा डालें। अब आज जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, उनसे मुलाकात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एफ़र्ट तो फरा जी ने किया, लेकिन जब फरा जी ने ये कॉन्सेप्ट हमारे पास लेके आए तो हमने यही कहा कि फरा जी इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए जब तक हमारे पास प्रॉपर सपोर्ट नहीं होगी बड़ा मुश्किल हो जाएगा एग्जीक्यूट करना। मतलब सैलॉन की चेयर्स को अरेंज करना, ये सारी चीज़ें मैनेज करना। तो डॉक्टर तारिक अबेदिल्ला, बहुत ही हमारे प्यारे भाई तारिक भाई जो हैं वो डायरेक्टर सैलॉन डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने फिर सारा का सारा हमें सेटअप बनाने में हमारी सपोर्ट की, इनकी टीम ने बहुत हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर एफर्ट। एंड देन क्यूने पाकिस्तान, क्यूने पाकिस्तान के एंड से हमें एक तो फिज़िकल सपोर्ट तो मिली, लेकिन साथ साथ एवरी डे इनके जो एक्सपर्ट्स थे, जो इनके मास्टर एजुकेटर्स थे, हेयर एक्सपर्ट थे, उन्होंने हमें गाइड किया कि क्या क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आप सैलॉन्स में जाके लेते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ में क्या क्या वेरिएशन आपको मिलती है और किस तरीके से आप अपने बालों को खूबसूरत दिखा सकते हैं विदाउट डैमेजिंग दैम। क्यूने पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स वैसे तो हैं बड़े अमेजिंग, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा हैं, मैं भी अब इन्हीं की हेयर स्प्रे, इन्हीं के प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ। और हमारे साथ डायरेक्टर क्यूने पाकिस्तान हैं रूज़ा अब्बास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट वाज रियली अ प्लेयर। हो आई आप पूरी दुनिया घूम के, हमें हमें छोड़ दिया शो करने के लिए और पूरे हॉलैंड घूम घुमा के वापस आ गए। लेकिन टेंशन इधर ही की थी, किधर है मेरे हॉलैंड की चॉकलेटें, कहाँ हैं? पेट में। हाँ, पेट में देख लो जरा, पहले ही ना कर। तो आप दोनों का सबसे पहले तो तहे दिल से A+ का शुक्रिया और हमारी पूरी टीम का शुक्रिया, एंड पर्सनली फ्रॉम माई सेल्फ थैंक यू सो मच। आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। और सिंपल सी बात है व्यूअर्स, दोनों ने हमसे यही पूछा, डॉक्टर साहब ने भी और रूज़ा जी ने भी हमसे यही पूछा कि भाई इसके पीछे इंटेंशन क्या है। अगर आपने सिर्फ अपने शो की रेटिंग को बढ़ाने के लिए ये एफर्ट करना है तो हम इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपने इसके थ्रू किसी को हेल्प करना है, किसी को सपोर्ट करनी है, तो देन वी आर इंटरेस्टेड। और सच्ची बात तो यह है कि व्यूअर्स आपको भी पता है कि हम चाहते हैं कि नया टैलेंट सामने आए, और जिसने वो कहते हैं ना मौलानी का कॉल है वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, तो जिसके हक में जो लिखा है वो तो उसको मिलना ही था। सो हमारे 1st, 2nd and 3rd कंटेस्टेंट्स एंड आर ऑल ऑफ द अदर फाइनलिस्ट, हमारे जो 6 कंटेस्टेंट्स का पैनल है आज वो भी हमारे साथ है। हसनैन भट्टी तो डॉक्टर साहब के साथ ही बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा कि भाई एक लड़का जो है वो उसको उधर ही नुक्कड़ में हम बिठा देते हैं, डॉक्टर साहब उस पर नज़र रखेंगे। एंड देन वी हैव विद अस राबिया मलिक, we have Huren Rooj, we have Iman Fatima, we have Kishan Irfan and we have Maryam Rafiq. तो आप लोगों के लिए एक दफ़ा बहुत सी तालियाँ। Bless you guys. So proud of all 6 of you. As far as we are concerned, आप 6 के 6 winners हैं. And we are so proud of the effort that you guys made और जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की आके लाहौर में। देखें, at the end of the day ना करते करते भी expense हो जाता है। एमए व्यूअर्स मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो इतने एक्सपेंसिव मेकअप नहीं करते, इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, उसका जो गेटअप तैयार करना होता है वो एक्सपेंसिव होता है। बड़ी दफ़ा हेयर की ऐसी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती हैं जो फिर वापस भी नहीं आपको मिलती। सो एट द एंड ऑफ द डे ये एक आर्ट फॉर्म है और इसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। रूज़ा जी, जब आपको अप्रोच किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए तो आपके क्या सेंटिमेंट्स थे? एक्चुअली हम लोग स्पॉन्सर्स उनसे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते, लेकिन मुझे एक फरा की इंटेंशन का बहुत मुझे कॉन्फिडेंस होता है, और आपके साथ वो पहले भी काम करती थी, वो शेयर कर रही थी मेरे साथ। और मेरा इसमें जब उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा आप क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे, और मुझे याद है कि हम लोगों ने ऑडिशंस भी पूरा दिन अकेले बैठ के हम दोनों ने किए, और हमने एक एक इंडिविजुअल से हम लोग पर्सनली मिले हैं, और मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बिकॉज आई वॉन्टेड इट टू बी रियली फेयर। और आई एम सो हैप्पी इट वेंट रियली फेयर और मुझे बस यही एक टेंशन थी और वो टेंशन होती है वो फ़रा को अपने कंसर्न्स बताती रहती थी। मैं कहती थी किसी के साथ ज़्यादती होनी चाहिए एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और इन सब ने बहुत अच्छा काम किया होगा। मैं एपिसोड्स देखूंगी, कुछ मैंने देखे हैं और कुछ मैं देखूंगी, लेकिन स्टोरीज़ मैंने एक एक देखी हैं। बिल्कुल, तो ये था कि बहुत नहीं मिलता मौका, वाकई नहीं मिलता। और जब लोग बता रहे थे हम कहाँ कहाँ से आए हैं और लिटरली कई लोगों को तो देख के ना बहुत हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते थे और स्पेशली उन लोगों का जिनका काम अच्छा नहीं था बट दे ट्रेवल्ड लाइक फ्रॉम सो फार, तो बहुत होता था। लेकिन ये कि जिसको जिसी किस्मत में हो अल्लाह मियाँ उसको देता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और अल्लाह मियाँ ने इनको यहाँ पे लेके आए हैं, अल्लाह मियाँ इनको आगे भी बहुत तरक्की दे इंशाल्लाह। आमीन। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी जब अप्रोच किया तो आपने इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से हमें सपोर्ट किया कि आई वॉज रियली ब्लोन अवे। और आपकी टीम से भी जिस तरह क्यूने से डेली लोग आते थे, डेली आपके टीम के मेम्बर्स यहाँ पे होते थे और डेली हमें सपोर्ट करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा और स्पेशली इसलिए कि पहली दफ़ा मुझे मतलब महसूस हुआ अगर कोई कुछ सैलॉन्स के लिए कुछ करना चाहता है और जो सैलॉन की प्रोडक्ट्स और जो क्वालिटी है उसको वो बताना चाहता है, तो उसी हवाले से मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि भाई एक रियल कंटेस्ट हो रहा है और उधर एक क्वालिटी का काम होने लगा है और एक जैसे उन्होंने कहा कि एक फेयर एक चीज़ होने लगी है और जो टॉप मोस्ट सैलॉन्स हैं वो आएंगे और प्रॉपर जजेस होंगे। मतलब इस तरह की चीज़ पहले हुई नहीं है कभी आज तक ना, तो हमारे लिए भी बिल्कुल एक नई चीज़ थी। तो इसलिए करेक्शन आपकी इजाज़त से, नॉट टॉप मोस्ट, वो लोग जिनका काम अच्छा है। हाँ, ज़रूरी नहीं है क्योंकि इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई सेटअप नहीं है, ये अपने शौक और अपने पैशन से करते हैं। आप यू नो उसमें वो हम ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए भी थे कि एक लोगों की हेल्प का भी आंसर, जैसे हमने शुरू के प्रोग्राम में एक आदमी बात की थी कि हम चाह रहे हैं कि जो लोग मतलब इसमें जीते हैं चाहे उनके सेटअप नहीं है उसमें सैलून डिज़ाइनर्स जो कुछ भी उनके लिए हेल्प कर सके, क्योंकि ये बड़ी एक बूमिंग इंडस्ट्री लेकिन इसमें आजकल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो जो बच्चे इसमें करना चाह रहे हैं, बच्चियाँ करना चाह रही हैं, उसी तक लेनी हो तो इंसान को सोचना पड़ता है। और आप देखिए हेयर कटिंग की कुर्सी अलहदा है, मेकअप की कुर्सी अलहदा है, आपने अगर डाई वगैरह करना है उसके लिए एक सेपरेट पूरा एक सेटअप बनाना है, उसको बनाने के फिर वो उसके अलावा एक एक्सपेंस है और छोटे छोटे टूल्स भी आजकल बहुत ज़्यादा चाहिए और बहुत एक्सपेंसिव हो गए। तो हमने उसमें कहा कि हम जितना भी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें और आपकी एक वो रेपुटेशन है शो की कि भाई इसमें जिस तरह से लोग इसको वॉच करते हैं और जितना क्लोजली देखते हैं। फिर फरा के साथ हमारा था लाजम, तो वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही करने जा रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं होने लगा कुछ, तो वी वर वेरी। अच्छा सर, आपकी इजाज़त से हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे कंटेस्टेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा इनसे ये जानेंगे और आप दोनों से ये भी जानना ज़रूरी है कि आप लोग हमारे जो नंबर 1 कंटेस्टेंट हैं उनको क्या ऑफ़र कर रहे हैं। कैश प्राइजेस तो हैं ही बट आई नो कि कुछ आप लोगों ने और मज़ीद इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें सोची हैं, वो हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिए। फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, एक मैं माजरत जरूर करना चाहूंगी सैलून डिजाइनर की टीम से। बड़ा तंग किया है मैंने छेड़ के इनकी पूरी टीम को और अभी ब्रेक में भी छेड़ी थी। मैंने कहा आओ मैं लाइव शो के अंदर, तो उन्होंने कहा नहीं खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ दो। ये भी जरूरी होता है। वैसे फरा जी डिड यू हैव फन? तो इतना एंजॉय किया जितना आप तो वीकेंड में भी पता नहीं किस इवेंट पे पहुंची हुई थी, रूह को सुकून नहीं है आपकी। वहाँ पे भी किसी एक्सपो पे पहुंची हुई थी, ये भी किसी एक्सपो पे पहुंची थी। मैं कहा बाज आ जाओ दोनों। हाँ, अभी आपके साथ क्लासेस करनी है ना पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। हाँ अच्छा बताए ये ना जो है आपका सबसे पहले दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया और ए प्लस का जितने लोग यहाँ पे इस पार्टिसिपेट किया उन सबका दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सब ने मिल के एक इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए और जो है वो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आमीन आमीन। आप क्या कहेंगी? आप देख भी रही थी बड़े गौर से और फिर मैंने आपको फिनाले पे बुलाया कि प्लीज़ आप एज गेस्ट ऑफ ऑनर आएँ, बताइएगा कैसा रहा? का मेरा साथ तब से है जिस ईयर मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया था, उसी ईयर जो है वो क्यूने पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था और जो बड़े प्यार से बड़े रिस्पेक्ट से शफीक साहब, सोहेल साहब, रहमानी साहब ये लोग क्लासेस देते थे। जो एजुकेशन ब्यूटिशंस ने इन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी। तब जो है वो कलर थ्योरी और ये सारी चीज़ें नहीं ब्यूटिशंस को पता था, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई और जो नॉलेज क्यूने ने तबका दिया हुआ है आज भी मेरे पार्लर के अंदर बेशक बेशबहा ब्रांड्स आए बट क्यूने की जो है वो लाजमी जो है वो वहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो आप नहीं बजा सकती तालियां, हम आपके लिए बजा रहे हैं। एक्चुअली जब हम उनकी बात करेंगे आप मामू के लिए तालियां, सब बड़ों की बात करें और हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्ट की जगह है सब। बाकी उन लोगों की बड़ी अंतर, उन्होंने जो मेहनत की। और आप विजन देखें ना, विजन देखें हाउ सेंसिबल एंड हाउ स्मार्ट के लोगों को सिखाया। देखो कोई प्रोडक्ट आपका ले और उसको गलत तरीके से लगा के बेड़ा गर्क कर दे अगले का, तो फिर आगे से आप लोगों को जवाब देना होगा। छोटी सी एक बात ऐड करना चाहूँगी कि क्यूने को ये बहुत बड़ा एजाज़ है और इसकी इन्होंने अगवाई भी दी है। ये जो सबसे पहली पाकिस्तान में क्लास प्रोफेशनल के लिए शुरू की गई वो क्यूने पाकिस्तान ने, अब सारे कर रहे हैं। और ये मतलब ये सब लोग इकट्ठे, इस हाफिज साहब के साथ डॉक्टर साहब भी, इन सब ने एक ही साल में 94 में इन सब ने काम स्टार्ट किया हुआ है। और माशाल्लाह ये हमारा 28वां साल अब शुरू होने वाला है और आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन ये कि हम कोशिश करते हैं कि हम जिद्दत लेके आते रहें, लेकिन ये कि अभी तक वही मकसद है जो 2.5 साल पहले तक सिखाना है, सिखाए बगैर नहीं छोड़ना। और भी ब्रांड्स आते हैं वो जस्ट अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इन्होंने कलर व्हील, कलर थ्योरी, केमिकल को किस तरह से जो है वो आपने अप्लाई करना है, किस तरह से प्रोटेक्ट करना है क्लाइंट को, किस तरह से आपने जज करना है बालों को, और ये सारी चीज़ों को जो है वो पहले उन्होंने जो है वो सारा सिखाया। उसके बाद जो है वो अपनी ब्रांड पे जो है वो बात करते हैं। मैं एक्चुअली फरा को आज फरा के सामने मैं अपनी स्टूडेंट से भी बात कर रही थी। एक मैंने कहा क्या डिफरेंस फील होता है अगर प्रोफेशनल कोर्स हमसे करते हैं, कहती द ओनली डिफरेंस इज कि आप तो घुस जाते हैं थ्योरी के अंदर और बाकी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट बेचती हैं, उनका नॉलेज देती हैं, लेकिन आप तो छोड़ते नहीं हैं। तो उसके बाद फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल ऑसम। एंड सैलॉन डिज़ाइनर्स के साथ तो खैर मेरा अपना बड़ा अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और उसके अलावा भी मैं यही कह रही थी उस दिन डॉक्टर साहब को, तारिक भाई को, कि मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी ये अफसोस की बात है कि मेरा पहले आप लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ जब मैंने अपना सैलून खोला था। तो कोविड में बंद भी करना पड़ गया बिकॉज हालात कुछ ऐसे थे और अभी अभी तो वो ब्रेक इवन पे बेचारा पहुंचा था। और बड़ी जगहों पे मेरे साथ फाइनेंशियल धांधली की गई, बेवकूफ़ बनाया गया। यू नो किसी चीज़ की कॉस्ट 10 रुपये है वो 12 में दे दी, किसी चीज़ की 3 रुपये कॉस्ट है वो 18 रुपये कह के बेची। आपको इसीलिए प्रॉपर बंदों के, प्रॉपर लोगों के पास जाना। अब देखिए आप सैलून डिज़ाइनर्स के पास जाएंगे, आप अपना बजट बताएंगे, वो आपको एग्जैक्ट जितना आपका बजट है उसमें आपको अप्रोप्रिएट चीज़ें बता के आपको मैनेज करना है। पाकिस्तान में सबसे पहले हमने लोग आपसे लेके उसको प्रीमियम पे बेच रहे होते हैं। हाँ। हमने बेसिकली पाकिस्तान में वो कॉन्सेप्ट दिया जो यूरोप में है कि हमने इसको एज ए जैसे सैलून्स के लिए एक सुपरमार्केट होती है, सैलून डिज़ाइनर्स को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ये अगर आप जाएँ सैलून डिज़ाइनर्स की किसी भी ब्रांच में तो वहाँ बास्केट्स होंगी, हर चीज़ के प्राइस टैग लगे हुए हैं। वो जो एक आपको एक आम बाज़ार में, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप जानते हैं, जहाँ पे होलसेल और ये चीज़ें मिलती हैं, वो हर कस्टमर के साथ उनका रेट डिफरेंट होता है, उसके ताल्लुक की बेस पे, उसके हालात की बेस पे और सारा। और हमने उस चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दिया। हमने पहले दिन से सोचा कि हमने एक मार्जिन से कमाने से ज़्यादा बेहतर ये है कि लोगों को एक स्टैंडर्डाइज चीज़ दी जाए। हर एक के ऊपर बार कोड है, हर एक के ऊपर प्राइस लगी हुई है, किसी को कोई परवाह नहीं है कि इसकी क्या ज़्यादा लगा रहे हैं, कम लगा रहे हैं। आप इस्लामाबाद से लें, कराची ब्रांच से लें, किसी जगह से लें, आपको एक प्राइस मिलेगा। हाँ। तो उसमें यह है कि उसमें आपको सुकून होता है, आपको कोई उसमें परेशानी नहीं होती, स्टैंडर्डाइज चीज़ मिलती है। अच्छा सर आपकी इजाज़त से अब कंटेस्टेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी बेटा क्या शेयर करोगी अपने एक्सपीरियंस के बारे में? राबिया मलिक जो हमारी विनर थी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं A+ की टीम का, क्यूने पाकिस्तान का, मैम फरा का, नईर आपा का, सैलून डिज़ाइनर का, सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इतनी इवेंट में हमारा इतना साथ दिया, हमें मौका दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सकें कि हम इतने अच्छा काम कर सकते हैं। और आगे भी इंशाल्लाह हम इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हसन आपका एक्सपीरियंस कैसा था बेटा? तो ओनेर बोलना ही बड़ी बात है। मैं मैम जुगन को कहता हूँ कि इनका बड़ा हौसला है, ये ओनेर आके बोल लेती। मैं तो उस दिन मिडिल क्लास कहते कहते थर्ड क्लास कह दिया, घर जाके सबसे डांट पड़ गई। तो इस तरह है कि ओनेर कहना बड़ी बात है। सबसे पहले तो यहाँ पे इन सबका शुक्रिया, इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, हम आगे आए, इस तरह A+ पे आए और लोग देखा। और A+ पे आते आते एक ये भी था, A+ का लोगो महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स डेली देख रहे हैं हमें। मतलब कि मैंने मतलब शोबिज़ में जो काम किया उस तरह अभी रिसेंटली आयशा उमर के साथ काम किया, मूवी कंप्लीट हुई, थोड़ा बहुत जो काम करते रहे हम लोग अपने अकॉर्डिंग, वो काम को देखते हुए A+ पे आ रहे थे डेली। मुझे डेली कॉल्स क्लाइंट्स की, आज तुमने क्या कर दिया ये वो। ऑन एयर बहुत मुश्किल होता है डेली बेस। देखिए उसको मैनेज करना भी इतना आसान नहीं होता। ओके हुनैन रूज का पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम ब्रेक की तरफ जाएँगे। जी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि मुझ जैसे को भी सपोर्ट मिली है यहाँ पे, कि मैं जिस तरह से आ रही हूँ कि मेरे घर में नहीं किसी को प्रॉपर पता। मेरे लिए ऑडिशन पास करना सबसे बड़ी कामयाबी वो थी मेरे लिए कि मैंने इतने लोगों में ऑडिशन पास किया, और मेरे लिए वही बड़ी खुशी थी। और मैं कह रही थी अपनी स्टूडेंट को, फिज़ा जो कि मेरी मॉडल रही हैं, मैं कह रही थी कि मैंने वो ऑडिशन ही जीत लिया। मेरे लिए इतना ही बड़ा है कि मैं एक अपने आप को मनवाने के लिए गई थी। मैं चाह रही थी कि मैं वाकई कुछ हूँ क्या, तो वो मेरी पहली कामयाबी थी। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई हूँ, अप एंड डाउन्स भी बहुत आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और कॉन्फिडेंस भी बहुत 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 ज़्यादा आया है। वंडरफुल, थैंक्स टू ऑल, थैंक। ओके, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ ईमान फातिमा, किरण खान, मरियम रफ़ीक का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। बाय द वे, जल्दी से मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ, हमारी एक कंटेस्टेंट है जो आगे हमारे साथ नहीं बढ़ पाई, इरम इकबाल। तो उन्होंने फैसलाबाद से ये स्केच करके भेजा है, तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। nice. ये नूर के साथ मेरी एक तस्वीर थी ऑनलाइन, तो एक ये है, और पता नहीं क्यों जैसे वो दुनिया से जाने के बाद एक तस्वीर लगाई जाती है, तो वो एक मेरे प्रोड्यूसर के साथ मेरी तस्वीर लगाई गई है। आशमी, ये तुमने अपने घर में लगा लेना, आज मेरी वैसी वेडिंग एनिवर्सरी है, ये मैंने घर पे लगा ली तो शायद मेरा मियाँ मुझे बाहर सूट दे। तो चल हाशमी, ये तस्वीर तेरी हुई। तो हम ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आ गए हैं हम अपने रॉयल कॉर्नर में। रॉयल के सारे ही प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग हैं। स्पेसिफिकली मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि www.royalfans.com पे जाएं और रॉयल के प्रोडक्ट्स को चेकआउट ज़रूर करें, क्योंकि रॉयल की रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल AC DC इन्वर्टर सीरीज़, इनके अमेजिंग फैंस की जो कलेक्शन है, इनके जो रूम कूलर्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। और रॉयल की जो वॉशिंग मशीन है RWM 8012T, इट इज़ अमेजिंग बिकॉज इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं सारे, सिंक लेड, 3-way वाटरफॉल सिस्टम, लार्ज पल्सेटर, एनर्जी सेवर यानी बिजली कम इस्तेमाल, डबल प्लास्टिक बॉडी जो इसको शॉक प्रूफ और रस्ट प्रूफ बनाती है, उसके साथ स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी यानी कि पानी और डिटर्जेंट भी उतना ही इस्तेमाल होता है जितना ज़रूरी होता है, ड्यूरेबल मोटर, और रॉयल की 6+1 ईयर्स की जो वारंटी है, ये कंबाइन करके ये अमेजिंग वॉशिंग मशीन आपके लिए क्रिएट की गई है। www.royalfans.com पे जाएं और ऑर्डर करें और अपने लाइफस्टाइल को एलिवेट करें और उसको रॉयल बनाएं। व्यूअर्स, अब वक्त हो गया है तोहफ़े प्रेजेंट करने का। जल्दी जल्दी से आप लोगों के सेंटिमेंट्स जानना चाहूँगी। जी बेटी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी सैलून डिज़ाइनर का, क्यूने का, स्पेशली फॉर मैम फ़रा का, क्योंकि मैं छोटे से इलाके से हूँ, नारवल के पास गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ, और यहाँ से इतनी दूर जाना और स्पेशली ऑडिशन को पास करना मेरे लिए बहुत बड़ा जो है ना चैलेंज था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैम सबकी सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो लोग भी थे कि जो हमारे इलाके में आके बड़ी बड़ी क्लासेस देते हैं। तो एक दफ़ा तो मैं आके घबरा गई थी कि मैं तो एक छोटे से इलाके से हूँ, तो यहाँ पे तो वो लोग आए हुए हैं जो हमें आके क्लासेस देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सब से, इवन के कुछ लोग ऐसे भी देखे कि जो पीछे रह गए थे, तो मैंने वहाँ से पास किया। मैं अपनी स्टूडेंट्स जो मेरी सीखती हैं उनको मैं कहती थी कि ये दुआ करना, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 600-700 लोगों में से आगे आना, मैं सेलेक्ट हो जाना, तो और फिर फाइनल 6 में आना बहुत मुझे बड़ी बात बिल्कुल है। भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से पूरा स्ट्रगल किया, पूरी जी जान से मेहनत की कि हमने आगे बढ़ना है। चलें, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं आ सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए यही बहुत ऑनर की बात है कि हम टॉप 6 में पहुंचे हैं, बहुत बड़ी कि एक छोटे से इलाके में आके इतनी बड़ी दुनिया को फेस करना, पाकिस्तान के सिटीज़ को फेस करना, ये सारा कुछ जो है ना मैं थैंक यू करना चाहूँगी इनकी वजह से। जी बेटा, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला के साथ का शुक्र अदा करूंगी, और उसके बाद सब लोगों की बहुत सारी दुआएं थी मेरे साथ जो मैं यहाँ तक आई। और मैं क्यूने, सैलून डिज़ाइनर, मैम फ़रा का और मैम जुगन का शुक्र अदा करना, मतलब शुक्रगुजार हूँ मैं बहुत ज़्यादा। थैंक यू। हाँ जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं A+ टीम का शुक्र अदा करना चाहूँगी, और मैम फ़रा का, क्यूने का, और बहुत कुछ सीखा इस प्लेटफॉर्म से, और it was overall nice experience. Wonderful. Thank you so much, girls and boy. Bless you. तो सबसे पहले तो जो हमारे appreciation के contestants हैं, हम उनको appreciation के awards देना चाहेंगे. ले आइए फारूकी साहब, please. Thank you so much. सबसे पहले हम किरण इरफान को बुलाएंगे. ये लीजिए बेटे, ये आपका अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट. कॉन्ग्रेचुलेशंस. नेक्स्ट हम ईमान फातिमा को बुलाएंगे. आ जाओ बेटी और आप अपना भी अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट लो. जी मैम, ये लीजिए. तारिक भाई ने इनकार कर दिया है हमारे पास. आके खड़े तो हो जाए तारिक भाई साथ. Wonderful, congratulations. And Maryam Rafiq, well done beti, bless you. Great. Okay, ab contestants ki taraf aate hain. Horen Rooj jo hamare third contestant hain, unko 25000 rupees ka check bhi milega. There you go, Vijay. Congratulations. बहुत बहुत मुबारक हो बेटी. एंड अब हम बुलाएंगे हसनैन भट्टी को. आ जाइए, आ जाइए बेटे, आ जाओ हसनैन. बहुत बहुत मुबारक हो. 50,000 रुपीस का प्राइज इनको मिलेगा. ऑसम. नहीं आपा, वैसे कुछ आप कहना चाहेंगी कुछ लोगों को जो अपकमिंग जो आना चाहते हैं इस तरफ? हाँ जी बिल्कुल, जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सके, इंशाल्लाह ताला आगे जो है वो फरा जी के साथ और सैलून डिज़ाइनर क्यूने के साथ और नूरबाई जुगन के साथ मिलके इंशाल्लाह वर्कशॉप क्लासेस हो रही हैं और पूरे पाकिस्तान में. तो इंशाल्लाह डेट्स वगैरह जल्द अनाउंस कर दी जाएंगी, तो आप लाजमी उन वर्कशॉप्स का हिस्सा बने और आपको भी आगे आने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच नैयर आपा, आज आपने भी स्पेशल एफर्ट किया. एंड अब राबिया मलिक को ये देने से पहले ये बताइए कि राबिया मलिक को हम मज़ीद और किस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं? एक तो 1 लाख रुपए देंगे उनको, हम ये दे रहे हैं. ये है कि सलून वगैरह की तरफ से ये है कि जब भी ये अपना सलून सेटअप करना चाहें उसके लिए फ्री डिज़ाइनिंग, फ्री लेआउट जो होता है इनिशियल, जो सारा उसका सेटिंग वगैरह होती है वो सारी हम करके देंगे. प्लस सैलून डिज़ाइनर्स की कोई सी जो 2 क्लासेज होंगी ये खुद ऑप्ट कर सकती हैं कौन सी ये लेना चाहती हैं, उसमें से हम डिस्काउंट देंगे. ठीक है. एंड और हम लोग ये कि हमारा जो प्रोफेशनल कोर्स है, बिकॉज शी इज़ लाइक एन एक्सपर्ट इन मेकअप, इफ़ यू वांट्स टू लाइक, क्योंकि कोई भी सैलून एक्सपर्ट का तो प्रोफेशनल कोर्स जो 1 महीने का, दैट विल बी फ्री फॉर हर. आ जाओ. बहुत 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 मुबारक हो बेटा. और बाय द वे वो भी लाखों का कोर्स है, तो वो आपको फ्री में मिलेगा. बहुत बहुत मुबारक हो टू राबिया मलिक, द विनर, the number one makeup artist that we have found in Pakistan. So बहुत बहुत मुबारक हो. स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया सैलॉन डिज़ाइनर्स का, क्यूने पाकिस्तान का, हमारी प्यारी सी फरा ब्यूटी सैलॉन का, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स ए प्लस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एग्री किया ये करने का, और हमारे सारे कंटेस्टेंट्स का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. 600 के 600 लोग जो आए ऑडिशन तक देने के लिए. बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है, और नैयर आपा आपकी गाइडेंस कॉन्स्टेंटली मेरे साथ थी. मुझे कॉन्स्टेंटली नैयर आपा मैसेज कर देती थी वॉइस, मतलब अब तो नैयर आपा के साथ वही वाला रिलेशनशिप हो गया जो मेरा मामा के साथ है. वॉइस नोट आ जाता है उनका कि जुगन ये अच्छा ये चीज़ ठीक नहीं है, अच्छा इस तरह से कर लो. और आपा थैंक यू बैक एंड पे जितना आपने मुझे गाइड किया, मैंने एक पर्सनल थैंक यू यहाँ पर ज़रूर कहना था. और हमारी इस ब्रिलियंट सुपर टीम ऑफ 3 पीपल का अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे. आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए करोड़ों आसानियाँ पैदा करे और आपको इतना दे कि आपका हमेशा देने वाला हाथ हो, कभी मांगने वाला हाथ. अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआओं के साथ अब हमने क्लोज़ किया अपना नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट का चैलेंज, और कल से फिर हम अपनी सराय की मेहंदी स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू सो मच, ब्लेस यू, खुदा हाफिज. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. थैंक यू.